हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू यू एट माय चैनल आकाश मेड एंटिटी। डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोग कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर टॉपिक की बात कर रहे हैं। ड्यू टू एन सम हाउ कभी कभी कुछ सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, हमारे डिजायरेबल सब्सटेंस मिल जाते हैं तो उनको सेपरेट करना आवश्यक है। यह है नीड ऑफ सेपरेशन। क्या कि कुछ जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हार्मफुल या डिजायरलेस सब्सटेंस मिल जाते हैं, अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, उनको अलग करना आवश्यक है। अब उन सब्सटेंस को सेपरेट करने से पहले, अलग करने से पहले उनकी नेचर को जानना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक हम पढ़े थे कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बनी रहती है। अब उनमें जो सब्सटेंस मिला हुआ है, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, उनको पहले समझना होता है कि किस नेचर का है, उसके बाद हमें अप्लाई करना होता है कि किस मेथड से वो सेपरेट होगा। तो आज हम जिनकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इविपोरेशन। इविपोरेशन के लिए पहले समझे इविपोरेशन क्या है। तो इविपोरेशन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, इविपोरेशन। अब इसके लिए दो वर्ड आता है, वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, है ना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो सबसे पहले इविपोरेशन समझे क्या, इसका डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इविपोरेशन। अब यहां से आता है वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड, तो वोलेटाइल लिक्विड कहता है अ लिक्विड दैट कन्वर्ट टू वेपर स्टेट एट लेसर टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर पर ही लिक्विड अगर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वोलेटाइल लिक्विड कहलाएगा। अ लिक्विड दैट कन्वर्ट और दैट इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड को नॉन वोलेटाइल लिक्विड से अलग करना है तो उसके लिए क्या लाएंगे, इवेपोरेशन। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है कि सब्सटेंस को एक कंटेनर में ले लीजिए, जैसे जनरली इसके लिए हम लोग बात करते हैं रिटॉर्ट की, या दो कंटेनर, एक कंटेनर में ले लेते हैं सब्सटेंसेस को, और सब्सटेंस को कंटेनर में लेने के बाद उसको हीटअप करते हैं, ठीक है, रिटॉर्ट ये ग्लास का बना हुआ रिटॉर्ट होता है, रिटॉर्ट को आपने रख दिया ट्रिपॉड स्टैंड पर, ठीक है, देखिए इसको रिटॉर्ट, और इस रिटॉर्ट में आपने लिक्विड को रख दिया, सब्सटेंसेस को, मिक्सचर को रख दिया, ये आपका मिक्सचर, ठीक है, ये मिक्सचर, इसमें एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल है। अब क्या होता है, आपने यहां पर इसको आपने अटैच कर दिया एक ट्यूब से, और इस ट्यूब को आपने एक चैम्बर में रख दिया जो आईसी कोल्ड है, चिल्ड चैम्बर में, कंडेंसेशन के लिए। अब क्या होगा कि इसमें जो सब्सटेंसेस लगा हुआ था, जो लिक्विड है, अब आपने गर्म किया, आपने जब आप हीट किए तो लो टेम्परेचर पर जो वोलेटाइल सब्सटेंस था, लिक्विड था, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और इवेपोरेट होकर वो इसमें आकर कंडेंसेट हो जाएगा,
लो टेम्परेचर पर, आपको ध्यान रखना लो टेम्परेचर पर, ये बॉयल नहीं करेगा, ये बॉयल नहीं करना चाहिए। अगर ये बॉयल करने लगा दो लिक्विड है ना मिक्सचर में, तो दूसरा मिक्सचर दूसरा लिक्विड बॉयल नहीं करना चाहिए, बॉयल करेगा तो फिर इसमें इम्प्यूरिटी आ जाएगी। देखिए आगे एक लिक्विड जो वोलेटाइल है वो वोलेटाइल इसे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और इवेपोरेट आकर दूसरे में आकर जमा होने लगेगा, जहाँ पर वाटर कूलिंग टेक्निक से वाटर कंडेंसेशन की मेथड से इसको कंडेंस करते हैं, कंडेंसर कहते हैं इसको। इसमें आपने बर्फ लगा भर दिया इसमें पॉट में, तो क्या होगा जैसे ही ये लो टेम्परेचर पर आया तो ये लिक्विफाई हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो एक सब्सटेंस डिटॉट में रह गया दूसरा आपको यहाँ आ गया। इसको हम लोग कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं इवेपोरेशन। कहते हैं इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ये वोलेटाइल लिक्विड को नॉन वोलेटाइल लिक्विड से सेपरेट करने का टेक्निक है। इसका प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल क्या है, जनरल प्रिंसिपल अगर जनरल प्रिंसिपल की बात करते हैं इसमें, तो इसका जनरल प्रिंसिपल इसमें आता है कि व्हेन मिक्सचर इज हीटेड, जब आप मिक्सचर को हीट करेंगे देन वोलेटाइल सब्सटेंस Got change to water, to substance change to vapor, और evaporate start हो जाता, और got evaporated, इसे कह सकते हैं ये evaporate हो गया, जो volatile substance था वो evaporate हो गया, which is collected in other pot. अदर पॉट बाय कंडेंसेशन। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इन दिस मेथड सब्सटेंस इज मिक्सचर इज in a retort and is heated volatile liquid got evaporated and is collected at other pot using condensation. Thus, both of the liquid got obtained. Examples: when ether or alcohol mixed with water. Salt solution, separation of salt solution. ये भी किया जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन को पॉट में रख दीजिए, क्या हो जाएगा वाटर इवेपोरेट होकर अलग कलेक्ट हो जाएगा और सॉल्ट उस पॉट में कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेपरेशन ऑफ सल्फर फ्रॉम सल्फर
डाइसल्फाइड सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ सल्फर फ्रॉम सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन। This is another substance that we can separate easily. As the melting point of the condensation point, boiling point of carbon dioxide is 46.3 degrees. ये ध्यान रखिएगा कि the boiling point of carbon dioxide CH2 is 46.5 degrees Celsius. ये 46.5 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस पर ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और अगर ये वाटर में मिला हो तो भी सेपरेट हो जाएगा इस टेम्परेचर पर। और जो सब लिक्विड जिसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर की बात होती है तो सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड इससे। Next technique we are, next method of separation we are going to use is sublimation. Next is sublimation. What is sublimation? Sublimation. A process in which solid substance change to vapor state on heating and on cooling vapors change to solid state is called sublime substance and the process is called sublimation. इसमें लिक्विड फॉर्म नहीं बनता है, सॉलिड स्टेट में है वो। अगर आपने सब्सटेंस को आपने गर्म कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो वेपर गैसियस स्टेट में आ जाएगा, वो डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो अगर ये अगर ये सबलाइम सब्सटेंस चाहे लिक्विड में मिक्सअप हो या सॉलिड में मिक्सअप हो, आप सिंपली इसको हीटअप कर दीजिए, है ना, हीटअप करके, और फिर आपको आसानी से दोनों सब्सटेंसेस को ऑब्टेन किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो पहले सबलाइम सब्सटेंस की बात करते हैं। सबलाइम सब्सटेंस क्या होता है? सबलाइम सब्सटेंस ये बेसिक कांसेप्ट जानना जरूरी है। सबलाइम सब्सटेंस क्या है? अ सब्सटेंस दैट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट on heating and from gaseous to solid state on condensing or cooling, condensing or cooling. वैसे सब्सटेंस जिनको यदि आप हीट करें सॉलिड स्टेट में है वो, अगर आपने हीट किया तो सीधा गैसियस स्टेट में आ जाएगा, और अगर आपने उसे कूल कर दिया तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जैसे कैम्फर, नेस्लिन, है ना, ये सब का सबलाइम सब्सटेंसेस का एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड। इन दिस मेथड क्या किया जाता है कि वेल का थ्योरी ऑन हीटिंग सबलाइम सब्सटेंस, गॉट इवेपोरेटेड एंड इज रिकॉलेक्टेड बाई कूलिंग कूलिंग और कंडेंसिंग में। तो ये होता है, इसका थ्योरी यही, प्रिंसिपल यही है कि जब सबलाइम सब्सटेंस को हीट कीजिएगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर स्टेट में हो जाएगा, और अगर आप उसको कंडेंस कीजिएगा, ठंडा कर दीजिएगा, तो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसी प्रोसेस का यूज होता है जिसमें सबलिमेशन में। इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है,
एक पॉट ले लिया, एक्चुअली ये चाइना डिश है, इसमें ये आपका बर्नर है ना, इसमें आपने सब्सटेंस रख लिया, जो मिक्सचर है से आपका मिला हुआ है सैंड, एंड एंड मिला लीजिए सैंड एंड प्लस नेफ्थलीन, सैंड और नेफ्थलीन दोनों मिला हुआ है इसमें, ठीक है, या कोई लिक्विड में भी मिला सकता, मिला हो तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो एक क्या होना चाहिए, एक सबलाइम सब्सटेंस होना चाहिए, सबलाइम वो लिक्विड मिला हुआ है या कुछ मिला हुआ, हमारा है सैंड और नेफ्थलीन है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक हम फनल रख देंगे, इन्वर्टेड फनल, और जो अपना इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल को ऊपरी हिस्से को कॉटन से क्लोज करके रूई से बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जब आप इसको हिट कीजिएगा बर्नर से, जब आप हिट कीजिएगा इसको, हिट करने से क्या होगा, जो सबलाइम सब्सटेंस है वो इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब नेफ्थलीन है, ये नेफ्थलीन इवेपोरेट हो जाएगा और सैंड यही रह जाएगा। अब ये नेफ्थलीन ऊपर जाएगा और ये नेफ्थलीन कुछ यहाँ आकर इसके इस जो एजेज है ग्लास के यहाँ आकर एक कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा ना, अगर आप और चाहें तो इसको कहीं और ले जाकर इसको ऐसे भी, ये चूंकि जब रूम टेम्परेचर पर आएगा ना धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ आकर इवेपोरेशन में ये आपको फनल के इन्वर्टेड फनल के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में यहाँ आकर जमा हो जाएगा, फिर आप इसको अलग कर सकते हैं। सो दिस मेथड ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। चलिए इसका तो समझ में आ गया क्या, इन दिस मेथड मिक्सचर इज हीटेड सो सबलाइम सब्सटेंसेस गॉट कन्वर्टेड गॉट इवेपोरेटेड एंड इज कलेक्टेड एट द सम अदर प्लेस वेयर एज सैंड और नॉन सबलाइम सब्सटेंसेस रिमेन इन पॉट। इसके द्वारा क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं हम लोग सब्लिमेशन के द्वारा, आयोडीन प्लस सैंड, आयोडीन प्लस सैंड, इसमें आयोडीन क्या है सबलाइम सब्सटेंस है, आयोडीन सबलाइम सब्सटेंस है, आप इसमें अलग कर सकते हैं नेफ्थलीन प्लस सैंड सॉल्ट कुछ भी, इसमें नेफ्थलीन क्या हो गया आपका सबलाइम सब्सटेंस, सबलाइम सब्सटेंस सब्सटेंस हो गया। फिर आप कर सकते हैं कैम्फूर, कैम्फूर प्लस ग्लास सैंड प्लस ग्लास पाउडर या सैंड, कांच का पीसा हुआ टुकड़ा उसमें मिला हुआ, आप उसको गर्म कीजिएगा तो कैम्फूर सबलाइम सब्सटेंसेस होने का वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, जो आपको पॉट में सब कहीं अलग आप आसानी से इसे कलेक्ट कर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दो टेक्निक की हम बात किए, मेथड ऑफ सेपरेशन की बात किए हैं हम लोग, क्या क्या सब्लिमेशन की बात किए और इवेपोरेशन की बात किए। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, देखिए ग्रेविटी सेपरेशन ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि जो जिसका मास ज्यादा है, जो मैसिव सब्सटेंस है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा रहेगा। इस मेथड में कराया क्या कि इन दिस मेथड इसका प्रिंसिपल पहले लिखिए, प्रिंसिपल हैवियर सब्सटेंसेस, हैवियर सब्सटेंसेस एंड लाइटर सब्सटेंसेस, लाइटर सब्सटेंसेस बोथ गॉट डिपोजिटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्स आपका प्रोसेस, प्रोसेस मिक्सचर इज और पाउडर्ड मिक्सचर, पाउडर्ड मिक्सचर इज लेट टू
फ्लो थ्रू रनिंग वाटर। इधर काफी यूज करते हैं हम लोग, जैसे धान है ना, धान उसमें अगर खखड़ी निकला हुआ है या गेहूं के साथ और कुछ डस्ट पाउडर निकला हुआ, तो क्या करते हैं उसमें, उसे पानी डालिए, तो पानी डालिएगा तो क्या होगा, जो हल्का लाइटर सब्सटेंसेस है मतलब धान के साथ खखड़ी कहिए या वो सीड्स जो आपको डैमेज सीड है, तो डैमेज सीड है वो क्या हो जाएगा, वो हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा, पानी की सतह पर आ जाएगा, और अगर पानी दिए तो आराम से निकाला जा सकता है। तो उसको अगर रनिंग वाटर में डालिएगा, रनिंग वाटर में अगर हम डालेंगे तो क्या होगा कि जो लाइटर सब्सटेंस है एक होगा बहकर अलग जमा हो जाएगा, और जो हैवियर सब्सटेंसेस है वही रह जाएगा। देन लाइटर सब्सटेंसेस फ्लो विथ वाटर एंड कैन बी कलेक्टेड एट सम अदर प्लेस। Where as heavier substance at other place, दोनों अलग अलग जगह पर ऑप्टेन हो गया और उनको दो अलग अलग भेदा मिल जाएगा, दो अलग अलग उनका लोकेशन पर जगह पर वो डिपोजिटेड हो जाएंगे। क्लियर? जैसे सेपरेशन ऑफ गोल्ड पार्टिकल फ्रॉम रॉकी सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ गोल्ड पार्टिकल फ्रॉम रॉक डस्ट और स्टोन डस्ट। बहुत से होता है ना, जो खासकर जो सुनार लोग होते हैं वो जो गोल्ड स्मिथ गोल्ड का काम करते हैं, तो उनका एक कारपेट होता है उसमें भी काफी सारे गोल्ड डस्ट होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए कर, जो कारपेट है उसको रनिंग वाटर में डाल दिए, तो उस पर रनिंग वाटर दिए, तो रनिंग वाटर दिए तो क्या होगा, डस्ट अलग जमा हो गया, गोल्ड पार्टिकल अलग जमा हो गया, वो सेपरेट होता चला जाता है। यानी क्या होता है, गोल्ड हल्का होता है तो हल्का होने का वो अलग कलेक्ट हो जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल है, सैंड है, वो सब अलग अलग जगह पर। आज की लास्ट एक और टेक्निक की बात करेंगे जिसको हम लोग कह देंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन से पहले और स्टडी करने से पहले, इसका प्रिंसिपल जानने से पहले जान लीजिए दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं a substance got attracted by magnet, वह substance जो magnet के द्वारा attract हो जाता है, क्या कहलाता है, magnetic substance। इसका भी principle बिल्कुल सिंपल है, known as magnetic substance। इसमें क्या होता है, एक magnetic strip लिए और इसमें दो व्हील लगा हुआ है जो इस स्ट्रिप को मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस पर इसमें ओ रख दिए, ठीक है, इसमें से आयरन हो गया प्लस सैंड, आयरन और सैंड मिला हुआ है, इसको रखिए इस पर, तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जैसे आप डालिएगा इस पर गिरेगा तो ये साथ साथ आगे बढ़ेगा, और जब साथ साथ आगे बढ़ेगा तो सैंड सैंड अलग यहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पर सैंड जमा हो जाएगा, और मैग्नेटिक होने के कारण ये आयरन डस्ट यहाँ बन जाएगा। इस तरह से आपको दो अलग अलग जगह पर यहाँ मिल गया आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो यहाँ आपका आयरन है, और यहाँ मिल गया आपको, ये आपको दो अलग अलग जगह पर कलेक्ट हो गया। इस मेथड का यूज करके आसानी से हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल, इन दिस मेथड द
the mixture is allowed to pass through magnetic strip. Magnetic strip substance and non-magnetic material both got deposited at 2 other places. This is the method of magnetic separation. Clear? So for today we have discussed some methods of separation of substances. In the next video we will conclude remaining method of separation. So keep on watching, subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload a video you get notification. Thanks for watching the video.